वेलकम टू एशियाज आईएएस इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ है यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 93 मिस ऐश्वर्या शरण। आप लोगों ने उनके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, न्यूज चैनल्स पे, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे उनको छाई हुई, आपने उनको देखा होगा। लेकिन आज जो हम आपके सामने ला रहे हैं, ये है ऐश्वर्या शरण, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी कैसे की। हमने बाकी सारी चीजें बहुत देखी, लेकिन उनकी एक्चुअल मेहनत जो है, उन्होंने प्रेपरेशन कैसे की, उनकी पढ़ाई कैसे हुई, उन्होंने पूरा साल कैसे प्रिपेयर किया, जिसकी वजह से उनको ये रिजल्ट मिला है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम उनसे वही जानेंगे कि उन्होंने अपने यूपीएससी प्रेपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस की तैयारी कैसे की, ऑप्शनल की तैयारी कैसे की। तो ऐश्वर्या, वेलकम टू एशियाज आईएएस इंस्टीट्यूट। आई गिव द माइक टू यू। थैंक यू सो मच। आपका प्रेपरेशन फॉर प्रीलिम्स और मेंस कैसे आपने शुरू किया तैयारी? मैं एक पूरा आपको ओवरव्यू देती हूँ कि मैंने एक साल में क्या क्या किया, कैसे किया, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम में कैसे क्लियर किया और इतनी अलग फील्ड से आके कैसे किया। तो मैम, मैंने अपनी प्रेपरेशन मई 2018 में स्टार्ट की। शुरू के 15 दिन मैंने सिर्फ इसमें लगाए कि एग्जाम है क्या, प्रीलिम क्या होता है, मेन्स क्या होता है, क्या इनका सिलेबस होता है, उसे प्रिंट करके अपने सामने लगाया। और खुद के बारे में भी मैंने ये देखा कि मेरी पढ़ने की कितनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना स्टडी प्लान तैयार किया। तो मैंने ये नोटिस किया, एक बार मैंने एक पूरे दिन मैंने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ के देखा, पॉलिटी की, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी बुक्स क्लास 12 की, कि एक्चुअल में मैं कितना पढ़ पा रही हूँ। तो मैंने नोटिस किया मैम कि 9-10 घंटे के बाद मेरा माइंड कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो जाता है, एक ही लाइन में बार बार पढ़ रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आई थिंक वो मेरी लिमिट थी। उसके बाद इट वॉज ओनली अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो टॉपिक मैं आधे घंटे में कर सकती हूँ वो 2-2 घंटे में होने वाला था। तो मुझे लगा कि मुझे ना ही रखना चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहिए, बिकॉज अगर आप शुरू में ही इस तैयारी से इतना एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आप जल्दी ही गिव अप करने का फिर सोचने लगते हैं। तो ये मैंने पहली मैम पूरा 15 दिन में डिसाइड किया। न्यूज़ पेपर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैंने देखा, क्योंकि यूजुअली तो हम लोग जब न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं तो बस फोटोज देख के छोड़ देते हैं लेकिन यूपीएससी की तैयारी में आपको हर चीज का कोर जो है आपको पता होना चाहिए। अगर न्यूज़पेपर में सीएजी लिखा है तो सीएजी का कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे लेकर आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग कैसे बनाने थे नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैंने डिसाइड किया मैम। और फिर तकरीबन 15 मई 2018 से मैंने अपनी तैयारी शुरू की टू गिव द प्रीलिम नेक्स्ट ईयर, विच इज मई 2019। तो अगर मैं शुरू के दौर की बात करूँ मैम, वो सबसे कंफ्यूजिंग एंड सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है, बिकॉज यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। आप पढ़ते हैं लेकिन आपको याद नहीं हो रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो मैंने मैम मई एंड जून में सिर्फ 2 टॉपिक कवर किए, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। तो मुझे लगा कि ये 2 हैवी टॉपिक्स हैं एंड न्यूज़पेपर के लिए पॉलिटी का थोड़ा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो मैंने इन्हीं से शुरुआत की। हिस्ट्री एक काफी हैवी टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैंने वो पहले कवर करने का सोचा। उसके बाद मैम जून से मैंने ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट धीरे धीरे लाने की मैं लाती थी। साथ के साथ जो मैंने पिछले महीनों में सब्जेक्ट किए थे पॉलिटी एंड हिस्ट्री, उनकी मैंने रिविजन शुरू कर दी। तो आप मेरा अगर स्टडी स्केड्यूल देखें तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे टिल लंच टाइम मैं नए सब्जेक्ट पढ़ती थी एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डे वॉज ऑल अबाउट रिविजन। तो 3 घंटा मैं रिविजन पे ही लगाती थी, जो मैंने पिछले महीनों में सब्जेक्ट किए थे करंट अफेयर्स के, जो मेरे नोट्स थे उनका मैं अलग से 2 घंटे देती थी रिवाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है जितना ये एग्जाम नए टॉपिक्स पढ़ने पे है, उतना ही एग्जाम रिविजन करने के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप नई नई चीजें पढ़ते जाएं, पिछले वालों को भूलते जाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबको रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, उतना ही आप एक साथ संभालें। देन मैम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आई इंट्रोड्यूस माय ऑप्शनल, मैंने ऑप्शनल को अपने सो कॉल्ड प्लान में शामिल कर लिया। पूरा 3 महीने मैंने ऑप्शनल पे ही ध्यान दिया, नोट मेकिंग की प्रॉपरली अपने ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी बनाई। आई थिंक उसके लिए मुझे सेपरेट सी वीडियो बनानी पड़ेगी, बिकॉज़ ऑप्शनल ज्यादा लोग लेते नहीं है पहली बात तो, और जो लेते हैं उनके लिए भी कोई ज्यादा कोचिंग या टेस्ट सीरीज होती नहीं है, तो वो एक अलग चैलेंज था मैम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इस टाइम मैं जीएस के लिए सिर्फ रिविजन ही करती थी, कोई मैंने जीएस की नई बुक नहीं उठाई, सिर्फ मैंने जो टॉपिक्स किए थे पिछले महीनों में वही रिवाइज किए,
साथ के साथ ऑप्शनल में काफी घंटे ऑप्शनल पे लगाती थी ताकि मेरा ऑप्शनल रेडी रहे, क्योंकि प्रीलिम और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है, उस टाइम आप ऑप्शनल के नोट्स नहीं बना सकते। तो मैंने अपने जीएस के तो नोट्स नहीं बनाए, लेकिन मैंने ऑप्शनल के नोट्स प्रॉपरली बनाए ताकि अच्छे से मैं उन्हें रिवाइज कर सकूं। देन मैम अक्टूबर तक ये खत्म हुआ, नवंबर दिसंबर अगेन जीएस पे मैंने वापस ध्यान दिया बिकॉज मुझे लगा कि प्रीलिम मई में है तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे जीएस को वापस इंट्रोड्यूस किया जाए। तो फिर ऑप्शनल थोड़ा सा बैक सीट ले लिया, ऑप्शनल को बस रिवाइज करती थी जो नोट्स बने हुए थे रोज एक एक चैप्टर, एंड जीएस पे फिर से मैंने दोबारा फोकस किया, जो थोड़ी बहुत चीजें मैं भूल रही थी उनको वापस अच्छे से पढ़ा एंड करंट अफेयर्स पे भी ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। जैसे मैम मैंने आंसर राइटिंग शुरू कर दी बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई जीएस प्रिपरेशन, मुझे लगा कि अब मेरे पास इतना कॉन्टेंट है कि मैं कुछ आंसर में लिख सकूँ। तो जनवरी से मैंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, अबाउट 21 टेस्ट वर देयर और मैंने सिर्फ वही सीरीज दी। एसए के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज बाद में प्रीलिम के बाद साइन अप की थी बिकॉज वो भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक बार लिख के देखें कि आप कैसा लिख रहे हैं, आप यकीन करें। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, ऑनलाइन में टेस्ट सीरीज देती थी, अपने जो मेरे पेपर्स हैं वो मेरा भाई स्कैन करके उनको भेजता था एंड फीडबैक मुझे मिलता था। तो आई थिंक टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करते हैं आपको ये बताने के लिए कि आप टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो। तो जनवरी के बाद मैंने टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस किया एंड जैसे जैसे मैम अप्रैल आता गया तब तक मैंने फिर स्पेसिफिकली अप्रैल पूरा महीना मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम की ही तैयारी की। प्रीलिम के टेस्ट मैंने दिए, ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल हैं, मैंने वो डाउनलोड किए, उसके बाद मैं वो टेस्ट सीरीज देती थी। सुबह में टेस्ट जो है अपना टेस्ट देती थी, डेढ़ डेढ़ घंटे में कंप्लीट करती थी, 1.5 आवर, ताकि यू नो एग्जाम में अगर कुछ प्रॉब्लम भी आए तो भी मेरे पास आधे घंटे का बफर टाइम होगा। सो यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड। सो 1.5 आवर आई यूज टू डिवोट फॉर गिविंग माई टेस्ट, टेकिंग माई टेस्ट इन द मॉर्निंग एंड शाम को उसी टेस्ट के जो आंसर्स थे वो जो है मैं रिवाइज करती थी। तो उससे भी जो थोड़ा नॉलेज बेस था वो बढ़ता गया, जैसे जैसे ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इनके जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो यूजुअली हम लोग अपनी जनरल सोर्सेज में नहीं ढूंढ पाते, वो वहाँ से मुझे थोड़े थोड़े मिलते रहे। तो मैंने उतना ही सीमित रखा, एक महीने मैंने ये सब किया, प्रीलिम दिया मैम, उसके बाद से मैंने अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दी। ज़्यादा मैंने वेट नहीं किया, टू बी वेरी प्रिसाइज 3 दिन का मैंने ब्रेक लिया और फिर मैंने वापस मेंस की तैयारी शुरू कर दी। तो उसके बाद मैम मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप आंसर जितना लिख सकते हैं लिखिए। काफ़ी जो मटेरियल होता है आपका करंट अफेयर्स का जो प्रीलिम में आपके काम आता है वो मेंस के टाइम पे चला जाता है बिकॉज अगर कोई केरला में कोई बटरफ्लाई की स्पीशीज डिस्कवर हो रही है तो प्रीलिम में ज़रूर काम आएगी लेकिन मेंस में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उससे मेरा मटीरियल जो था मैं धीरे धीरे शेड करती गई, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उन्हें फिल्टर आउट कर दी गई और आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया कि टाइम पे अपने पेपर कंप्लीट करना। इसी दौरान मैम मैंने अपने एसे एंड एथिक्स पे भी बहुत स्पेशल ध्यान दिया। एसे मैं पूरा तो नहीं लिखती थी रोज लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूर करती थी, तकरीबन 15 मिनट में लगाती थी एक रफ स्केच बनाने में कि अगर किसी टॉपिक एक पर्टिकुलर टॉपिक लेती थी पास्ट पेपर से और अगर मुझे इस पर एसे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, क्या इंट्रोडक्शन होगा, क्या आगे मैं लिखूंगी एंड फिर अपने फादर के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मैं डिस्कस करती थी। सिमिलरली मैम एथिक्स के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए, अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल लिखे, जो मम्मी पापा से जो कुछ सीखा उसके एग्जाम्पल लिखे। तो मुझे लगता है एथिक्स पेपर आपका आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को झलकाता है, आपको बहुत ओरिजिनल रहना होता है अपने आंसर्स में। अगर आप प्लास्टर्ड आंसर्स लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी कहीं ना कहीं वो पता चल जाएगा। तो अगर एथिक्स में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं तो आपको खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, थोड़े अपनी लाइफ के अंदर झांक कर नोट्स बनाने पड़ेंगे। इट्स बेटर अगर आप वो लिख लें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम हमें वो चीज़ याद होती है, बाद में हम भूल जाते हैं। तो एथिक्स के लिए मैम मैंने स्पेशली इस टाइम पर बहुत ध्यान दिया एंड आंसर राइटिंग का भी टाइम रिड्यूस करने की कोशिश की एंड फाइनली मैम मेंस दिए मैंने, मेंस का रिजल्ट आया। फिर मैम फिर इंटरव्यू के लिए तो मैम आप लोगों ने मुझे फीडबैक दे ही दिया था
कि एक ही मॉक टेस्ट दो, एक मॉक इंटरव्यू दो, और मत दो, ओरिजिनल रहो, बिकॉज इंटरव्यू इज नॉट अ वाइवा, इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट. दे वॉन्ट टू सी कि अगर आप एक ऑफिसर जैसे दिखते हैं या नहीं. तो मैम उसके लिए ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये आपके फेस से झलकनी चाहिए. तो आई थिंक अपनी पर्सनैलिटी पे आप खुद काम करें. अगर आपको जरूरत है आप इंटरव्यूज दें. आपके यहाँ जो मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था बहुत काम आया मैम, आपने जो फीडबैक दिया. तो मैम आई थिंक ये मेरी पूरी जर्नी रही. एंड आई होप जो एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं, जो उनके दिमाग में जो डाउट थे कि कैसे इसने किया, मीडिया में इतनी सारी चीजें आती हैं, तो आई थिंक वो डाउट सब क्लियर हो गए होंगे. तुम्हारा जो पूरा, आपने इतनी देर बात की, यू गिव क्लियर कंसाइज, पूरा आपने इन्फॉर्मेशन दिया, पूरा मंथ वाइज आपने बताया कि हर महीने में आपने कैसे किया, हर चैप्टर, हर सेक्शन जो सिलेबस का है, हर पेपर जो है उसको आपने कैसे कवर किया. आपके बोलने में जो क्लैरिटी है, जो आप बोल रहे जिस तरह से, उतनी क्लैरिटी आपके प्रेपरेशन में भी थी, इसीलिए आपको ये रिजल्ट मिला है. उतना आप कंसिस्टेंटली और विथ क्लैरिटी आप प्रिपेयर कर पाए, तो ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू यू. आपकी मेहनत का आपको फल मिला है. यह देयर इज वन मिस्टर शर्मा पंकज, आई वुड जस्ट ट्राई टू रीड हिज मैसेज. इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट आई थिंक यू शुड गेट अक्रॉस दिस मैसेज. ही सेज, ऐश्वर्या दी, मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है. मैंने हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको मैसेज किया था लेकिन आंसर नहीं मिला. कल जब आप कोई लाइव टीवी पे थे तब भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा लेकिन आंसर नहीं मिला. दी यही क्वेश्चन है कि आप गांव कब आ रहे हो, चुपकिया तालुका. पूरा गांव आपका वेट कर रहा है. हम सब बहुत खुश है, आप हमारा इंस्पिरेशन हो. और चुपकिया टॉकिंग, दिस इज आई थिंक राजघर डिस्ट्रिक्ट चूरू from Rajasthan, right? Yes, this ma'am. Is Mr. Pankaj Sharma. That is my hometown. From Rajgarh is my hometown. I belong to Churu district of Rajasthan. Thank you so much for reading out the message, ma'am. Yes, because it's filled with so much emotions. Yes, ma'am. Abhi main kisi social media platform pe hoon nahi, to main kaise reply karu? But I really appreciate jo itna pyar, itna samman mujhe sab log de rahe hain. Mere gaon ne hamesha mujhe support kiya hai, even when I went for Miss India. You know, usually there's an image ki if you're from the Jat community, they don't let their girls come out and they're very apprehensive about all these things. But ma'am, I would like to say that my family, my community, especially in my district, they've been very supportive throughout. And that gave me the confidence to, you know, take risks and venture out in the fields I wanted to. And I'm genuinely, I wanted to thank you. Aap log ne jo feedback diya tha, bahut kaam aaya mujhe. Thank you, ma'am.